नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में शराबबंदी को लेकर नेताओं के अपने अपने बयान आते रहे हैं, वहीं अब इस बीच प्रशांत किशोर ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो एक घंटे में शराबबंदी जो है वो खत्म कर देंगे। तो इस बयान के बाद अब सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें आपको कि आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले प्रलोभन का दौर भी जारी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर समय समय पर नेताओं के अपने अपने बयान सामने आते रहे हैं। इसी बीच अब प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो एक घंटे में बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर के इस दावे ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल विपक्ष अक्सर ये कहता रहता है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो शराबबंदी खत्म करने की मांग तक रख दी थी। यहां तक कि जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ शराबबंदी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। तो वहीं इन सब के बीच बिहार में नए नेता के रूप में उभर रहे प्रशांत किशोर के शराबबंदी खत्म करने के दावे ने हलचल तेज कर दी है। प्रशांत किशोर बिहार में शराबबंदी खत्म करने को लेकर तर्क देते हुए कहते हैं कि शराबबंदी से क्या कभी किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कोई भला हुआ है? ऐसा उदाहरण मिला है क्या मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने विकास किया हो? मुझे तो ऐसा कोई उदाहरण संसार में नहीं दिखता, जबकि अलग अलग समय में लोगों ने ये संस्कारों ने प्रयास जरूर किए हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के गांधीवादी रास्ते पर चल शराबबंदी वाले तर्क पर भी सवाल उठाते हुए चुटकी ली है। टीके ने कहा है कि नीतीश कुमार और उनके चेले और चापलूस नेता बताते हैं कि गांधी जी ने शराबबंदी की बात कही। मैं लगातार कह रहा हूं कि गांधी जी ने कहां कहा था कि कानून बनाकर सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं लिखित में है तो मुझे दिखाइए, मैं नीतीश कुमार का चरण छूकर माफी मांगने को तैयार हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सिर्फ शराब की दुकानें बंद हुई है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी खूब हो रही है। शराबबंदी का गहरा असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसकी वजह से हर साल बिहार जैसे गरीब राज्य का 20 से 25 हजार करोड़ रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ जाता रहा है। मेरे पास जानकारी है, अवैध तरीके से अर्जित किया जाता रहा है। पैसा बिहार के भ्रष्ट पुलिस वालों के पास जा रहा है और माफिया भी इसमें संलिप्त है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराबबंदी में जितने लोग पकड़े गए हैं, जिन पर केस हुआ है, उसमें से ज़्यादातर लोग गरीब तबके के हैं, दलित समाज से आते हैं। यही नहीं, शराबबंदी के चक्कर में सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि अगर आप उनके घर वालों को पकड़ते हैं तो महिलाएं वकीलों के और थानों का चक्कर लगाते रहती हैं, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं। ये व्यवस्था खत्म होनी ही चाहिए। तो बता दें आपको कि प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को एक बार फिर से खत्म करने को लेकर बातें कही है और बड़ा दावा किया है कि बिहार में जो है अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है और महिलाएं इससे ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और उन्होंने लगातार ये दावा किया है कि ये महिलाओं के हित में ही ये कदम उठाए गए थे। शराबबंदी कानून जो है वो लागू करके महिलाओं को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। अब प्रशांत किशोर के इस बयान से लोग कितने आकर्षित होते हैं और किस तरह से इस बयान का नतीजा निकलकर सामने आता है, फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बिहार में जिस तरह से शराबबंदी है, वैसे में कहना गलत नहीं होगा कि लगातार बिहार में जो है वो क्राइम के ग्राफ घटे हैं। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आई हैं। महिलाओं ने हमेशा सीएम नीतीश कुमार की तारीफ ही की है। ऐसे में प्रशांत किशोर का ये बयान किस ओर इशारा करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 के साथ।